अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल इन कैपेसिटर्स। तो सीरीज में कैपेसिटर्स कब होते हैं? ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब इनके बीच में अगर कोई वायर और पास नहीं हो रहा है, देन दीज आर इन सीरीज, तब ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज में इफेक्टिव अगर निकालना है और इनमें जो चार्ज आएगा वो सेम होगा सीरीज में, मतलब बीच, जैसे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, यहाँ से अगर कोई वायर निकल रहा है ऐसे करके, तो ये सीरीज में नहीं है। कारण सपोज यहाँ से क्यू फ्लो होकर आता है तो कुछ यहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बचा हुआ यहाँ जाएगा, उस केस में सीरीज में नहीं है। अब पैरेलल समझते हैं, ये कैपेसिटर है, ये प्लेट डायरेक्टली इससे जुड़े और ये इससे जुड़ेगा, तब दोनों ये पैरेलल में आएंगे और पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, इफेक्टिव विल बी C1 प्लस C2। अब इसी में अगर अगर यहां पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता C3 नाम का, तो उस केस में फिर C1 C2 पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये तो चलो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है पर ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। C3 और C2 भी पैरेलल में नहीं लिए जा सकते, कारण C3 का C2 से कनेक्शन डायरेक्टली है पर ये वाला प्लेट डायरेक्टली से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में कैपेसिटेंस आ गया। तब फिर ये उसके, अब उसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? उसमें फिर C1 और C3 पैरेलल में होंगे, ये करा रिप्लेस इफेक्टिव से, और फिर ये हमारा C2, सॉरी उस केस में C1 और C3 सीरीज में है, C1 और C3 सीरीज में है और उसका इफेक्टिव फिर ये निकलेगा सीरीज में, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ A और B के बीच में पैरेलल में आ गए।